इतने सारे तोते रहे माशाल्लाह। ये पहाड़ी तोते हैं थोड़ी अलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद माज जमशेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइस आज हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल देने। प्रैक्टिकल के लिए आपके भाई ने रोल नंबर स्लिप उठा लिया है, बस रोल नंबर स्लिप जेब में डालेंगे। और अब मैं तो थोड़ा प्लाट में गराज में आया था गाड़ी छाड़ी निकालने, तो ये बकरा साहब जी अजीब वगरीब मुँह बना रहे मैंने देखा। अभी क्या हुआ तुझे? अच्छा तो गाइस बस गाड़ी निकालते हैं, लेट पहले ही हो गए हैं, 9 बजे प्रैक्टिकल है, 8:45 हो गए हैं। तो अभी बस गाड़ी निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई बस गाड़ी के ऊपर से उतारेंगे कवर, कवर उतार लिया उतार के बाहर निकाल लिया और मैं भी रेडी हो गया हूँ। बस गाड़ी में बैठते हैं अभी और जाते हैं कॉलेज। इसी के साथ गाड़ी का लगाएंगे घेर, स्टार्ट करेंगे और तो गए कॉलेज। भाई आपका भाई कॉलेज पहुंच गया है और अब भाई के दिल की धड़कने भी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि एक लफ्ज नहीं पढ़ा मैंने, 1% तैयारी नहीं है मेरी और मैं आ गया हूँ प्रैक्टिकल देने। तो अभी बस कॉलेज के अंदर इंटर होते हैं, गाड़ी को करेंगे इस साइड पे पार्क। वही गाड़ी शाड़ी पार्क कर लिया आपके भाई ने, बस अभी जा रहा हूँ अंदर प्रैक्टिकल देने। लड़के खड़े हैं तैयार प्रैक्टिकल। मैं किताब भी लाया, यहीं से खरीदनी पड़ेगी किताब भी, किताब मिलेगी 300-400 रुपये की तैयार शुदा। तो अभी जाते हैं। तो भाई आपका भाई प्रैक्टिकल दे के आ गया है और प्रैक्टिकल माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। भाई की सिफारिश भी थी एक दो, तो भाई ने कॉल कर दी थी। तो प्रैक्टिकल नोटबुक भी नहीं थी मेरे पास, तो नंबर लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो भी मुझे मिल गई थी, वो ले आए थे भाई प्रैक्टिकल नोटबुक। तो अभी बस जा रहे हैं कॉलेज से वापस घर, तो अभी आपको बस घर जाके मिलते हैं। तो भाई आपका भाई घर आ गया और गाड़ी को करेंगे अंदर, यहाँ बैठी हैं बकरियाँ, इन्हें भगाएंगे थोड़ा पीछे। तो भाई खोलेंगे गेट, गेट खोल के जल्दी से गाड़ी अंदर करते हैं। तो गेट भी नहीं खुलता, बड़ी मुश्किलों से खुलता। गेट शेट खोलेंगे, बैठेंगे गाड़ी के अंदर और करेंगे गाड़ी अंदर। यार ये बकरी के बच्चे ना बहुत तंग करते हैं, ये वाला बकरी का बच्चा बहुत तंग करता है। गाड़ी अंदर करके बकरियां बाहर ना निकल जाएं, बकरियां बाहर निकल गई तो बड़ा मसला बनेगा भाई। वे बंद करेंगे गेट जल्दी जल्दी। यार ये एक बकरी का बच्चा बाहर निकल गया, बहुत ज़िद्दी है, ये नहीं पीछे होता। गेट बंद कर दिया, गार्ड के पीछे से निकालेंगे कवर, कवर निकाल के डालेंगे गाड़ी के ऊपर, करेंगे बंद। भाई गाड़ी पे कपड़ा छपड़ा चढ़ा दिया, अभी गेट को करेंगे बंद, इसको करेंगे बंद। यार ये एक तो ना कवर सही तरह चढ़ता नहीं है, पता नहीं क्यों, साइड से करो तो साइड पे निकल आता है। बस गाड़ी का कवर छोड़ चढ़ा लिए, अभी जाते हैं घर, घर जाके थोड़ा सा खाएंगे नाश्ता। इसके ना यहाँ पे एक कील लगाई हुई, इस कील पे अड़ाएंगे इसे अड़ा दिया। तो बस अभी चलते हैं घर, घर जाके ना फिर आपको मिलता हूँ। गाइस मैं घर आ गया था, मैंने हारून को कॉल किया, यार हारून आजा। हारून इतना मुनाफिक बंदा है ना, ये खुदा की कसम, इस बंदे ने मुझे इतने धोखे दिए हैं ना, किसी लड़की ने आपको इतने धोखे नहीं दिए होंगे जितने बंदे ने मुझे धोखे दिए। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। इस बंदे को मैंने कहा यार आजा, अबे भाग रहा है, अबे कहाँ मुँह छुपा रहे, क्या कहाँ मुँह क्यों छुपा रहा है, जब ये काम करते हो तो मुँह ना छुपाया करो फिर। भाई अभी ना हम जा रहे हैं तोते देखने, इसको मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ कि तोते दिखा यार, तोते दिखा, कहाँ पे हैं लेने हैं यार, ख़रीदने हैं, इसके किसी दोस्त के पास हैं यार, वहाँ से लेते हैं जाके भी तोते। और अभी देखते हैं यार, अभी देखते हैं, अगर अच्छे लगे तो ले लेंगे, नहीं लगे तो फिर अल्लाह खैर से अल्लाह तो भी। बस जाते हैं यार उनके साथ, ये मुनाफिक इंसान है, आप शक्ल देख लें, आप ऐसे लोग होते हैं जो मुनाफिकते करते हैं लोगों के साथ, ठीक है ना। अल्लाह
ये गाइस ये भूखा मुझसे चावल खाने की फरमाइश कर रहा है। चार दिन लगातार खाया तूने। ओए बकवास ना कर, तूने दो दिन दूध सोडा पिला के और बकवास कर रहा है। अच्छा तो गाइस अभी आए थे छोले चावल के पास, अभी खाते हैं छोले चावल। अच्छा तो गाइस अपने छोले चावल रेडी हो गए हैं, तो अभी खाते हैं छोले चावल, फिर आपसे मिलते हैं। उस्मान भाई के घर आ गए हैं, उस्मान भाई हमारे दोस्त हैं। और ये देखो पूरे कितने सारे तोते रहे, माशाल्लाह। ये पहाड़ी तोते हैं, ये पहाड़ी तोते हैं, ये काकटी, ये देसी तोते हैं रिंगनेक, और ये कोकटेल हैं जो हमने लेने हैं, जो हमने लेने हैं वो ये वाले हैं, ये बड़े वाले कोकटेल जो हैं। इनकी वीडियो बना लेता हूँ थोड़ी अड्डी। अच्छा ये तो पकड़ लो जा रहे भाई हारून को मैंने बुला लिया था और अभी हम जा रहे हैं तोते लेने। जो हम तोते देख के आए थे ना वो आज लेंगे जाके। जैसे कहीं हम बाजार में आए थे, मैंने सोचा आपको बाजार भी दिखा दूँ थोड़ा सा। गाइस कॉकटेल आ गए हैं अपने, देखना उस्मान भी दिखाना एक मिनट। उड़ गए ना गए पैसे, यही है ना गरीबों के को। ये आ गए जी कॉकटेल आ गए हैं अपने, अब जाते हैं घर, इन्हें बंदते बांध करते हैं। कैसे लग रहे हैं आरुण तुझे? पैसे भी लेंगे उस्मान भाई। अच्छा तो गाइस घर चलते हैं, ले लिए हैं तोते अपने, तोते शोते ले लिए हैं, इस कट्टू में बांधे तोते, तो अभी बस घर जाते हैं। चल मोटरसाइकिल किक मार यार हारू, देर हो गई, मगरिब का टाइम हो गया है, अब नमाज भी पढ़नी है जाके। चलो गाइस ये बारह रबी अव्वल की वजह थे ना, प्यारी सी लाइटिंग की, आगे से चला गए थे, आगे से आगे कितनी प्यारी लाइटिंग लग रही है यार। ये बाजार में ना दुकानदारों ने ना पूरे बाजारों में सजाया है, कितना प्यारा मौसम मंजर सॉरी मौसम वहाँ तक है, वहाँ तक है। हम भाई की दुकान पे आ गए, जल्दी जा जल्दी जा। अच्छा तो गाइस तोते लेके घर आ गए, अभी हम जाते हैं पिंजरे में इन्हें डालते हैं। अच्छा तो गाइस ये तोते हैं, ये वाले ये अंदर बैठे हैं इसके, अभी ये डालेंगे इस पिंजरे में इन चिड़ियों के साथ। काटते बहुत बुरा है, ये उठाओ ये काट रहे हैं, एक गया। इनकी गड़बी तरीके से बनाते हैं, फिर ये बच्चे देंगे बाहर बड़ा बनाते हैं, बड़ा ये इसको चल 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 ये वाला भी इसमें डाल दिया। इस स्टोर को साफ करते हैं। अच्छा तो गाइस ये तोते हमने छोड़ दिए इनमें, ये ओ ये क्या मां, एक ये बैठे है और एक वो नीचे बैठे, सही लग रहा है इतनी मां डंडियां तो लगा रहे हैं। तो भाई ये बैठ गए हैं सामने टहनी पे, जो डंडियां लगी हुई थी ना उनके ऊपर बैठ गए हैं जाके, अब सही बैठे हैं एक जगह पे। चलो गए मस्जिद में आए थे नमाज शमाज पढ़ने, अभी मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, नमाज शमाज पढ़ ली हमने और अब जाते हैं घर, और बस नमाज मगरिब की पढ़ ली है। थोड़ा लेट हो गया था, जमात के साथ नहीं पढ़ सका, लेकिन नमाज पढ़ ली कर जा रहा हूँ। बाजार में आया था तो मैंने देखा एक जुलूस आया था, मतलब बारह नवल का जुलूस है, तो वो आप देख सकते हैं। अजान हो रही है लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। ये हाथों में ना चिराग लेके जा रहे हैं। मेरी तरफ से ईद मुबारक, का दिन से।
लोगों ने बताया है सुहेल फ्री के अंगूर खाते हुए सुहेल रेट तो पूछ ले कितने के है रेट तो पूछ फिर खा फ्री के अच्छा तो भाइयों जुलूस वगैरह देख के जलसा बहुत अच्छा था माशाल्लाह बहुत अच्छा था और बड़ा खूबसूरत उन्होंने निज़ाम किया हुआ था जैसे चिराग वगैरह ले रखे थे हाथों में और झंडे वगैरह थे लेकिन ना उनकी एक बात बस थोड़ी सी अजीब लगी मुझे अजान के टाइम ना उन्होंने नाते बांधने की क्योंकि अजान के टाइम तो कुरान बंद करने का हुक्म है तो अजान के टाइम तो समंदर दरिया रुक जाते हैं फिर उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बंद की चलो वो खैर है बाकी जलसा बहुत अच्छा था इसके अलावा बस अभी हम खाते हैं खाना खाना अपना रेडी है आज बना है चिकन आलू का आलू चिकन गोश्त आलू गोश्त कहते हैं जिसे वो बना है और साथ उसके रोटी रोटी हम लेंगे एक नवाला लेंगे शोरबे के साथ यार आलू बहुत गर्म है आलू लेंगे आलू के साथ शोरबा लगाएंगे थोड़ा सा और खाएंगे खाना बहुत मज़े का मिलते हैं आप लोग में ओके नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग चैनल देखते होंगे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह हाफ़िज़